भारत और नेपाल के बीच खेले गए मैच में टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत हासिल की, लेकिन इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि गौतम गंभीर खबरों में आ गए। दरअसल गौतम गंभीर इन दिनों कमेंट्री कर रहे हैं और मैच के दौरान कुछ पाकिस्तानी फैंस ने भारत के खिलाफ नारे लगाए और कश्मीर पर कुछ बोला, जिस पर गौतम गंभीर भड़क उठे और उन्हें अभद्र इशारा किया, जिसके बाद से गंभीर के इस बर्ताव को लेकर फैंस सोशल मीडिया पर अपनी अलग अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग भी ट्विटर पर अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं, जब एक यूजर ने उनसे ये कहा कि मैं हमेशा से ये सोचता था कि आपको गौतम गंभीर से पहले MP होना चाहिए, जिस पर वीरेंद्र सहवाग ने जवाब देते हुए कहा, सहवाग ने कहा कि राजनीति में ज्यादा लोग सिर्फ अपने अहंकार और पावर की भूख के लिए ही होते हैं, वे लोगों के लिए मुश्किल से ही समय निकालते हैं, कुछ लोग अपवाद होते हैं लेकिन ज्यादातर PR ही करते हैं। मुझे क्रिकेट से जुड़ना और कमेंट्री करना बेहद पसंद है, लेकिन सुविधा के हिसाब से पार्ट टाइम MP बनने में की इच्छा मेरी कभी नहीं रही। आपको बता दें कि गौतम गंभीर वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, जहां फैंस इसे गौतम गंभीर पर सीधे तौर पर निशाना मान रहे हैं। वहीं इससे पहले सहवाग ने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया नहीं टीम भारत होना चाहिए, जर्सी पर भी भारत होना चाहिए। बोर्ड सचिव जयशाह को टैग करते हुए सहवाग ने लिखा कि इस वर्ल्ड कप में हम बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा के लिए चीयर करेंगे और शायद भारत हमारे दिल में होगा और खिलाड़ियों की जर्सी भी भारत हो। वहीं इस बीच कई फैंस का ये मानना है कि ये साफ तौर पर गौतम गंभीर पर दिया गया एक बड़ा बयान है। गौतम गंभीर वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं और वे भारत के लिए मैचों में कमेंट्री भी किया करते हैं। ऐसे में सहवाग का ये कहना कि वे पार्ट टाइम MP बनने की इच्छा में नहीं है, ये कहते हुए सहवाग ने इशारों में गौतम गंभीर पर निशाना साध दिया है। अब इस पर आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।